डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फोर का हिंदी बुक है और इस चैप्टर में शिवाजी के बारे में दिया हुआ है, उनकी एक छोटी सी घटना के बारे में दिया हुआ है। शिवाजी एक बहुत ही वीर पुरुष थे, महान पुरुष थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। उनसे मुग़ल लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, तो मुग़ल से संबंधित यहाँ पर एक घटना दी हुई है। आइए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं। यह चैप्टर 18 और इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है लड्डू की टोकरी। तो लड्डू की टोकरी में क्या रहस्य था, या इस कहानी को लड्डू का टोकरी का नाम क्यों दिया गया है, इस कहानी को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। शिवाजी ने गुरु स्वामी रामदास के सामने स्वराज के लिए प्रतिज्ञा की। तो गुरु, उनका गुरु जो है स्वामी रामदास जी थे। मराठे किसानों का संगठन किया, वे संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े। संघर्ष हर किसी को अपने लाइफ में, अपने जीवन में करना ही पड़ता है। तो शिवाजी भी संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े थे। उन्होंने मराठे किसानों को एकजुट किया, उसका संगठन बनाया। बीजापुर का बादशाह सिकंदर शाह आदिल परेशान हुआ। शिवाजी किले पर किले जीतते चले गए। इसके वजह से वो परेशान था कि शिवाजी की इस तरह से जीत हो रही है, तो निश्चित रूप से उसके लिए भी खतरा है। मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने शायस्ता खां को भेजा। तो मुग़ल लोग उस समय परेशान हो जाया करते थे, कोई वीर पुरुष इस तरह से जब अपनी वीरता दिखाता था तो उन लोगों की परेशानी का सबब बन जाता था। तो उसने शायस्ता खां को भेजा ताकि किसी तरह से उसको रोक सके। उसने किलों को जीतकर शिवाजी के महल में डेरा डाल दिया। तो शिवाजी के महल में डेरा डाल दिया, जहाँ पे शिवाजी रहते थे। शिवाजी ने बारात के रूप में पूना नगर में प्रवेश किया, बारात के रूप में, ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वे आधी रात को बाराती के रूप में छिपे सैनिकों के साथ महल में घुस गए। अंधेरे में हल्ला हुआ। यहाँ पे इस तरह से वे अपने वेशभूषा को बदल कर आते थे कि किसी को शक ना हो। उसी तरह से बाराती के रूप में आकर सैनिकों के बीच में वे घुस गए। अब अंधेरे में हल्ला हुआ, क्या हुआ कोई आता पता नहीं। तो फिर क्या हुआ, यहाँ आगे पढ़ने से पता चलेगा। मुग़ल घबरा उठे। शायस्ता खां का बेटा मारा गया। शायस्ता खां, उसका जो बेटा था, उसको शिवाजी ने मार दिया। शायस्ता खां खिड़की से निकल भागा। किसी तरह से शायस्ता खां, ये जो आदमी यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यही शायस्ता खां है, किसी तरह से ये बच गया। शिवाजी ने तलवार से प्रहार किया, उसकी उंगलियाँ कट गई। मुग़ल फौज भाग खड़ी हुई, शिवाजी विजयी हुए। इस तरह से शिवाजी अपनी जीत प्राप्त कर। तो वीर पुरुष इसीलिए वीर होते हैं क्योंकि वे किसी न किसी तरह से दिमाग लगा लेते हैं कि कैसे दुश्मन को हराना है, कैसे दुश्मन को मारना है। इस तरह से शायस्ता खां वहाँ से फरार हो गया। शहजादा मोहम्मद मुअज्जम और राजा जसवंत सिंह मुग़ल बादशाह की ओर से गए, पर शिवाजी को दबा नहीं सके। वे विजय पा रहे थे। मुग़ल बादशाह ने क्रोध में राजा जयसिंह और दिलेर खां के साथ बड़ी फौज को भेजा। इससे सफलता मिली। राजा जयसिंह ने शिवाजी को संधि के लिए मजबूर कर दिया। शिवाजी ने संधि कर ली। राजा जयसिंह का अच्छा व्यवहार देखकर आगरा के मुग़ल दरबार में जाना भी स्वीकार किया। तो यहाँ पे हालांकि राजा जयसिंह जो था वो, उसका व्यवहार अच्छा था, लेकिन फिर भी वो मुग़ल औरंगजेब का वो साथ दे रहा था, लेकिन फिर भी शिवाजी मुग़ल दरबार पे जाने के लिए राजी हो गए। फिर आगे क्या घटना हुई। शिवाजी आगरा आए, जयसिंह के आश्वासन पर आए, परंतु औरंगजेब ने उनके साथ राजा के समान व्यवहार नहीं किया। शिवाजी ने दरबार में ही इस अनादर का विरोध किया और जयसिंह के पुत्र राम सिंह के साथ दरबार से बाहर आ गए। तो मुग़ल लोग यहाँ पे जो भारतीय लोग होते थे उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, तो इसका विरोध भी शिवाजी ने किया और वहाँ से वे दरबार से बाहर निकल आए। औरंगजेब कूटनीति तथा छल से शिवाजी को मार देना चाहता था, तो चाहता था कि किसी तरह से इसको मार दिया जाए क्योंकि उनके लिए काफ़ी बड़ा खतरा थे शिवाजी। शिवाजी इस बात को समझ गए, उन्हें पहले से ही पता था। उन्होंने अपनी बुद्धि से मुग़ल बादशाह को हराने की बात सोच ली, अपने अंगरक्षकों को लौटने के लिए कह दिया। तो उन्होंने दिमाग लगा लिया था कि किसी तरह से यहाँ से निकलना है। अपने अंगरक्षकों को लौटने के लिए कह दिया। शिवाजी ने संवाद फैला दिया कि वे बीमार हैं। तो इस तरह से बीमार होने का उन्होंने एक नाटक किया। वैद्य से चिकित्सा होने लगी, उनका इलाज होने लगा। निरोग होने के लिए भगवान से प्रार्थना हेतु मंदिरों में मिठाइयां जाने लगी, टोकरी में मिठाइयां जाने लगी। टोकरियों की जाँच होती, टोकरियों में मिठाइयाँ थी, मतलब टोकरियों, इतनी बड़ी बड़ी टोकरियाँ जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये टोकरियों में मिठाइयाँ जाती थी मंदिरों में उनके नाम से प्रसाद बांटने के लिए। टाइम टू टाइम इस टोकरियों को, इन टोकरियों को मतलब चेक किया जाता था कि कहीं इसमें कुछ और तो नहीं है। तो सभी बार देखा गया कि इन टोकरियों में सिर्फ लड्डू ही हुआ करते थे, मतलब मिठाइयां हुआ करते थे।
टोकरियों की जांच होती, टोकरियों में मिठाइयां थी, कुछ दिनों में शक मिट गया, मतलब सभी लोग देखे कि अरे ये टोकरियों में सिर्फ मिठाइयां ही जाती है, इसलिए अब उसको चेक करना भी बंद कर दिया। शिवाजी अच्छा होने लगे। इस खुशी में एक दिन टोकरी में स्वयं बैठ गए। तो शिवाजी अब देखे कि किसी तरह का जो उसमें चेक नहीं हो रहा है, तो शिवाजी खुद उस टोकरी में बैठ गए। मुगल पहरेदारों ने ऊपर से टोकरियों की जांच कर ली कि देखा चलो डेली तो यही सब जाता है, इसीलिए उन लोगों ने किसी तरह का विशेष ध्यान नहीं दिया कि चलो ठीक है ले जा बाहर ले जा। टोकरियां बाहर चली गई। लड्डू की टोकरी में शिवाजी आगरा से निकल गए। उनका सेवक हीरोजी शिवाजी की अंगूठी पहनकर बिस्तर पर लेटा रहा। 24 घंटे के बाद पता चला कि शिवाजी बड़ी चतुराई से निकल गए, तो उनके जगह पे कोई दूसरा जो है उनके सेवक जो सोए हुए थे अंगूठी पहनकर, तो इससे पता चलता था कि चलो शिवाजी यहाँ पे हैं, लेकिन वो शिवाजी नहीं थे, उनका सेवक था। खोज शुरू हुई पर शिवाजी वेश बदलकर तीर्थों से होते हुए रायगढ़ पहुँच गए। मुगल हाथ मलते रह गए, मतलब कितनी भी चालाकी कर ले मुगल उनसे नहीं जीत पाते थे। ऐसे वीर पुरुष कई बार हमारे देश में आते रहे हैं और आते रहेंगे, और मुगल हर हाल में उनसे हारना ही पड़ता था, मुंह की खानी पड़ती थी, परंतु शिवाजी का कुछ बिगाड़ नहीं सके, कितना भी चाले लेकिन उनसे संभव नहीं था। औरंगजेब को उन्हें राजा के रूप में मानना पड़ा। शिवाजी ने महाराष्ट्र में स्वराज कायम कर दिया। शिवाजी छत्रपति शिवाजी कहलाने लगे। तो आज भी शिवाजी को छत्रपति शिवाजी कहा जाता है और उनके नाम से कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है, छोटा सा चैप्टर है। अब यहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। अभ्यास में सबसे पहले मुहावरा दिया हुआ है, डेरा डालना, रहने के लिए स्थान बना लेना, हाथ मलना, पछताना, और यहाँ पे लिंग निर्णय करने के लिए रेखांकित शब्दों का लिंग निर्णय करें। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये शिवाजी ने प्रतिज्ञा की, तो प्रतिज्ञा की मतलब स्त्रीलिंग हो गया। उन्होंने संगठन क्या किया, मतलब यहाँ पे पुल्लिंग हो गया। उंगलियाँ कट गई मतलब यहाँ पे उंगलियाँ जो है वो स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पे बड़ी फौज को भेजा मतलब यहाँ पे फौज जो है वो पुलिंग हो गया, संवाद फैला दिया, तो यहाँ पे ये भी पुलिंग हो गया। इस तरह से हमें पता चल जा रहा है सेंटेंस के द्वारा कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन पुलिंग है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शिवाजी ने क्या प्रतिज्ञा की, तो इसका आंसर चलिए मैं दे देता हूँ आपको। यह चैप्टर 18 का क्वेश्चन आंसर, शिवाजी ने क्या प्रतिज्ञा की। शिवाजी ने स्वराज के लिए प्रतिज्ञा की। स्वामी रामदास कौन थे, स्वामी रामदास शिवाजी के गुरु थे। शायस्ता खां कैसे पराजित हुआ, शिवाजी की बुद्धि एवं साहस से शायस्ता खां पराजित हुआ। शिवाजी आगरा क्यों आए, शिवाजी राजा जयसिंह का अच्छा व्यवहार देखकर औरंगजेब से मिलने आगरा आए। औरंगजेब क्या चाहता था, औरंगजेब शिवाजी को मार डालना चाहता था। लड्डू की टोकरी का क्या अर्थ है, लड्डू की टोकरी का अर्थ है शिवाजी के बच निकलने का रास्ता। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।